तो नमस्कार दोस्तों, आप ही के चैनल में माधव ऑटो ज्ञान में स्वागत करते हैं। आज टाटा की विंट्रा V30 लेके आ गए हैं जो हाल ही में लॉन्च हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये है इसका डीजल वेरिएंट जिसके अंदर आप इंटीरियर देख सकते हैं और डोर वाइजर के अंदर आपको पोर्टल हैंडल्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे इसको काफ़ी स्पेस दिया गया है, जो कभी आप साइड से दीवार के साइड से लगाते हैं तो काफ़ी स्पेस केबिन्स में दिया गया है। सीट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ स्टीयरिंग के अंदर आप मैनुअल की दे रखी है। हैंड ब्रेक का आपको सामने दे रखा है। डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको लीवर्स और फ्रंट का आप लुक देख सकते हैं जो विंट्रा V30 के अंदर BS6 Phase 2 को लॉन्च किया गया है टाटा मोटर्स 2023 के अंदर। और LED लाइट का भी ऑप्शंस, फोर ग्लैम्स लाइट का ऑप्शंस एंड यहां पे 12 ग्लैम्स देख सकते हैं तो लाइट का ऑप्शन दिया गया है। कैबिन्स के अंदर विंट्रा की बेजिंग और यहाँ प्लास्टिक बम्पर दिया गया है। फ्रंट में आप डोर वाइजर को भी देख सकते हैं, चारों टायर इसके समान दिए गए हैं एक फुट स्टेपनी के साथ में। और यहाँ पे आपको विंट्रा एक न्यू अवतार में मिलने वाली है जो डीजल वेरिएंट्स एंड पेट्रोल वेरिएंट्स दोनों ही मॉडल मिलने वाले हैं। 1496 सीसी का इंजन प्रोवाइड करता है फोर सिलेंडर इंजन के साथ में। मैक्सिमम पावर की बात करें तो इसमें 70 BHP की पावर जनरेट करता है और 140 Nm का टॉर्क विंट्रा के साथ में जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में BS6 प्रोवाइड इंजन दिया गया है। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 35 लीटर्स का, माइलेज की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है 14 पर लीटर इंजन के साथ में, मतलब 14 प्लस में। यहाँ पर टायर्स भी काफ़ी स्टाइलर टायर दिए गए हैं जो छोटे व्हील्स होते हैं उनको काफ़ी ग्रिपिंग के साथ में ज़मीन से जोड़ के चलते हैं। और GBW की बात करें 2565 kg का उपयोग किया जाया है और इसमें आपको पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 1300 kg का यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड से दे रखे हैं जो इंटीरियर के अंदर। स्टीयरिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं मैनुअल्स की दे रखी है। यहाँ पे MID के अंदर आपको डिजिटल का ऑप्शन दिया गया है जो आप आसानी से में फ्यूल वगैरह आप देख सकते हैं, इंजन की जात पतवार भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं मार्केट प्राइस की बात करो तो अलग अलग सिटी में अलग प्राइस हो सकते हैं, फिर भी 8,50,000 रुपये से 9 लाख रुपये तक की कुछ प्राइस होने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे विंट्रा आपको दो ऑप्शन में AC के कुछ फाइंस वाले कैबिन्स के अंदर भी मिलने वाला है, मतलब फ्लोर AC का भी ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कार्बो बॉडी और इंजन के बीच की जो दूरी है उसमें काफ़ी गैप दिया गया है जिसके द्वारा इंजन को काफ़ी लुब्रिकेट प्रदान किया जाता है और अच्छी एयर के कारण इंजन ज़्यादा हीटिंग नहीं हो पाता है। यहाँ पे कार्बो बॉडी भी काफ़ी स्टाइलर में दी गई है और यहाँ पे स्टेपनी देख सकते हैं, इसको लॉक किया गया है एक हुक से जिसके द्वारा आप इसको कोई ओपन स्पिनर से खोल के आप स्टेपनी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हील बेस की बात करो तो इसके अंदर आपको 2450 mm का व्हील बेस मिलेगा। पीछे कार्बो बॉडी कंपनी फिटेक है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक्स का ऑप्शन दिया गया है जो 35 लीटर का दिया गया है पेट्रोल एंड डीजल के अंदर। एमरोल की बैटरी है यहाँ पे, यहीं पर आपको वाइपर्स का पानी वगैरह भी डाल सकते हैं और ऊपर से कूलेंट वगैरह भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शंस कैबिन के पीछे दिया गया है। इसी के नीचे आपको डोर वाइजर के ऊपर भी इंडिकेटर्स कार्बो बॉडी को भी एकदम स्टाइलर में वेल्ड की गई है जिसके द्वारा कोई कार्बो बॉडी के अंदर कोई जंग लगने का ऑप्शन